दोस्तों आज हम चल रहे हैं महादेव जी को नीलाने। ये देखो गिलहरी की आवाज़ आ रही, गिलहरी बोल रही इधर पीछे, नीम का पेड़ है ना तो उस पर। तो हेलो गाइस, राधे राधे, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ना हमारे कल्याण में ना भोले बाबा को जल चढ़ाने आए हैं। रोजाना ही आता हूँ मैं। हाँ, धूप भी देखो बहुत निकल रही है, बहुत तेज धूप है। हमने फाटक खोल ली, इसको लगा देते हैं। और धूप तो है ना बहुत तेज है, तो चलते हैं अब हम भोले बाबा को नीलाने। ये देखो, तो यहाँ से हम तोड़ लेते हैं दो उन पे चढ़ाने के लिए। तो ये तोड़ लेता हूँ मैं, देखो तोड़ ली। और देखो चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है इस मधुमालती पे। तो इसको तो रख देते हैं यहाँ पे, है ना। और अब तोड़ते हैं हम बिलपत्र। ये देखो बहुत, तो ही तोड़ लेता हूँ। तोड़ लिए दो, ठीक है दो तो लोटे में डालता हूँ। अब तोड़ेंगे कनेर के फूल। तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं सब हमारे, कुछ भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फूल पत्तियाँ ये देखो, ये नीचे भी आ रहे हैं, तो इनको भी तोड़ लेता हूँ। तोड़ ले चार पांच, फिर घर पे ले जाने के लिए अलग तोड़ लेंगे। अपने लाएंगे भोले बाबा को। देखो कैसी हरियाली है इनके चारों तरफ। तो पहले तो मैं चढ़ाता हूँ बिल पर, फिर बाद में जल चढ़ाऊंगा। तो दो बिलपत्र चढ़ा दी और अब चढ़ाता हूँ जल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम् भजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाथ मृत्युर्मुक्ष्य। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सौराष्ट्र सोमनाथ शीतलैमल्य उज्जयिन्यां महाकाल ओमकारमलेश्वरं परल्यावेनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दितु रामेश्वरं नागेश्वरं दारुकावने वाराणस्य विश्वेशं त्र्यंबकं गोमतीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायवात्पटे नर सप्तजनं कृतपापमिस्मे। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, कपूरघोरं कर्णावतारं संसारसारं पूज्यं सदावसन्तमिति अरविन्दे। ओं भवानी सहितं नमः तमेव तत्मे तमे वंशका तमे 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 शर्मा दे। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये तिलक की भी मैंने यहाँ पे ही रख रखी थी, जो रोजाना फिर यहाँ से ही चढ़ा देता हूँ, वापिस रख देता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों हमारी हो गई पूजा, और मैं सोमवार के दिन ही लेके आता हूँ ये दीपक वीपक। और अभी तो लोटा भर के जल लेके आता हूँ, तो वो चढ़ा दिया मैंने। और अब हम चलते हैं घर पे, पहले दहलीज पे चढ़ा देते हैं फूल पत्तियाँ। प्रभु अब है ना, ये बिलपत्र के वृक्ष के भी चढ़ा देता हूँ मैं।
और ये पक्षियों के लिए पानी भी डाल देता हूँ। इसमें फूल है ना, तो फूल भी चढ़ा देता हूँ। तो हमारे हो गई भोले बाबा की पूजा और अब हम घर पे चलते हैं। मैंने फूल भी ले लिए, बहुत सारे आ रहे थे ना तो फूल लोटा भर गया। मैं ना पहले ठेला लेके आ रहा था लेकिन भूल गया, याद ही नहीं आए। और देखो वो चिड़िया, ये चिड़िया है ना वो मीठा खाने के लिए आती है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते ना तो उसके लिए आती है वो उधर बग्गी। तो मैं तो कुछ लेके नहीं आया, अब कल से लेके आऊँगा। ठीक है, देखे धूप बहुत तेज निकल रही है, ये देखो बिल्कुल, और मेरे आ गया पूरा पसीना ही पसीना। और बरसात भी नहीं आती, इतने बदल आते हैं काले लेकिन बरसते ही नहीं है, जाने क्या हो गया बारिश के भी। तो है ना, इसको तो रख देता हूँ यहाँ पे नीम के पेड़ के ऊपर। और मैं इधर है ना, मैंने मोटर चला रखी है, ये देखो मोटर चल रही है हमारे, ये देखो। तो इनमें पानी चला रखा है, बरसात ही नहीं आ रही, तो देखो पूरे सूखे सूखे हो गए, बारिश नहीं आ रही इसकी वजह से। और बाद बदल तो आते, मैं सोचता हूँ आ जाएगी, तो मैंने है ना पानी भी नहीं पिलाया, लेकिन आज तो पिला ही देता हूँ। देखो बिल्कुल साफ मौसम हो रहा है तो पानी भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने ना आज इसमें मोटर चला दिया। देखो ये पानी आ रहा है, आवाज आ रही है ना, ये देखो। तो मैं ना इसमें लाइट नहीं आ रही थी पहले, तो पाइप डाल के और चला दिया था, तो सब में चला गया पानी। अब इस वाली मक्का में डाल के जाऊंगा तो ये भी भर जाएगी फुल। और देखो सब सूखे सूखे हो गए बारिश के वजह से, तो बारिश नहीं आ रही ना तो कि फिर दोस्तों आज बारिश नहीं आ रही, अब बारिश नहीं आ रही ना तो फसलें भी सूखी सूखी हो गई सोयाबीन की। जब से उसकी बुआई की थी ना तब से पानी नहीं आ रहा, तो आज गांव की औरतें ना पैसे इकट्ठे किए हैं और इंद्र देवता की पूजा करने जाएगी। फिर गांव में आके शाम के टाइम को जाती है, फिर हमारे घर के बाहर ही घास भैरू जी है चबूतरी पे, तो फिर उनकी भी पूजा करती है। हो सकता है जो तो कर ही सकते हैं, फिर भी नहीं आए तो इनकी मर्जी, पानी तो बरसात के लिए करेंगे। और देवी देवताओं की पूजा तो पहले ही कर दी थी। ये देखो एक टिटोड़ी की आवाज़ आ रही है, वो नेवला आ गया ना वहाँ पे, देखो वो बग गया, तो वो है ना चिल्ला रही थी। देखो दिखाता हूँ अभी आपको, इधर आ गया वो, आ गया वो, देखो वहाँ पे बेबी नेवला, दिखाता हूँ अभी आपको, देखो घूम रहा है वहाँ पे, दिख गया वो, देखो वो, देखो बच्चा है नेवले का। कहाँ गया, गया इधर अंदर गया वो, वो देखो बड़ा, देख रहा है वो, बग गए जाने का यार, गए उनको डर लगा ना। तो ये देखिए पानी की वजह से सब सूखे सूखे हो गए, ये देखो लौकी की बेल कैसी होगी, मुरझा गई बेचारी। ओ ये करेले की है, करेले के देखो ये ऐसे के हो गए सूखे सूखे, तो मैंने आज इसमें ना पानी चला दिया, बारिश की वेट करेंगे तो सूख ही जाएंगे पूरे, तो जो मेहनत की वह ऐसे ये हो जाएगी खत्म। ये देखो ये इसको है ना गुरगुल बोलते हैं, गुरगुल पक्षी है। तो ये है ना इसमें है ना पानी चला रहा हूँ ना, तो ये कीड़े वीड़े आते हैं ना तो उनको खाने के लिए आई है पानी। वह देखो देखो कैसे देख रही,
घूम रही है और मुंह में है उसके कुछ कीड़ा वीड़ा, केचवा है, केचवा खा जाती है सबको। देखो खा, वो यहाँ पे आ गई, बिल्कुल पास है मेरे। केचवा नहीं है वो, है मांदर, उसके बहुत सारे पैर रहते ना, जाने क्या बोलते हैं वो, हमारे तो यहाँ तो मांदर बोलते हैं। तो उसका छोटी वाली है वो, तो वो पकड़ रखी है इसने, बहुत जहरीली होती है वो। देखो तो अब इधर से इधर इधर निकल जाएगा पानी, मैं रास्ता कर देता हूँ यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा तो इसमें भिंडियों में चला जाएगा। देखो भिंडिया भी जाने कैसी होगी बेचारी, पानी के बिना है ना सब। तो जो गांव वालों से होता है वो करते हैं बेचारे। देखो यहाँ पे बैठ के जो उनसे हो सकता है ना गांव वालों से, वो तो करते हैं टोटके वोटके। पूजा तो वैसे पहले ही कर दी थी देवताओं की, भाई फिर बाद में करते, जिससे बड़े है वो पहले ही कर दी थी, अब आज औरतें कर देगी उनसे जो हो सकता है वो। फिर भी नहीं आए तो अरे इच्छा, क्या कर सकते हैं फिर तो, फिर तो भगवान के ऊपर ही है सब कुछ। ऐसे ही करते हैं, पिछली बार भी है ना, पिछले साल भी ऐसे फसल बो दी थी, फिर बहुत दिनों तक पानी नहीं आया, तो फिर तो है ना ये गांव वालों ने घास भैरू जी गाँव में घुमाए थे, मतलब है ना सारे गांव वाले मिलके उनको गांव में घुमाते हैं, इस पे लकड़ी के वो बनाते हैं उनको बिठाने का, फिर उस पे घुमाते हैं और रस्सियों से खींचते हैं, फिर गांव के बाहर खाना बनाते हैं, मतलब सब अपने अपने हिसाब से, कोई खलियान में कोई खेत में ऐसे चला जाता है। फिर बहुत दिनों में आई थी बारिश और अभी तो देखो ऐसे बदल आते हैं काले काले, लेकिन बरसते ही नहीं है, गरज के निकल जाते। ऐसा जाने क्या हो गया पानी के, हमें इधर डाल देता हूँ मक्का में ताकि इस ये भी सूखे नहीं। नल की बहुत बड़ी है, यहाँ पे डालता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे पसीना है पसीना, और अब हम चलते हैं घर पे, फिर अभी तो मंदिर पे जाना है, हनुमान जी के जाना है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे, देखिए मेरा सिर पे पसीना टपक रहा है, इतनी धूप है गर्मी के, जैसे वो मई जून में पड़ती ना वैसी वाली धूप है। तो अब हम चल रहे हैं घर पे, फिर घर पे करेंगे पूजा, फिर खाएंगे खाना। देखिए अभी चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे बढ़िया हरियाली,